नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से मुझे एक सवाल पूछना है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, और इसका आंसर जो है आप लोग जरूर दीजिएगा मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि ये जो बैकग्राउंड में अभी मैंने पूरा सेट करा है ये आप लोगों को कैसा लग रहा है। यहां पे मैंने एक प्लांट लगाया है और यहाँ पीछे साइड पे कुछ एक सीनरी टाइप में बनाया के लगाई है फोटो फ्रेम्स वगैरह। तो ये बैकग्राउंड जो है आपको कैसा लगा है, क्योंकि ये नया सेटअप मैंने करा है, तो कुछ और नए सेटअप जो है डिजाइन हो रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो जैसे वो भी डिजाइन हो जाएंगे तो डेफिनेटली उन सब चीजों के बारे में भी आपसे सवाल और राय आप लोगों की बहुत मायने रखती है। अगर आप लोगों के पास कुछ और अच्छे अमेजिंग बैकग्राउंड्स हैं जो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ वीडियो के लिए, तो आप लोग मुझे पिक्चर्स भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर में। जो अगर आप लोगों के पास अच्छे डिजाइन है कि बैकग्राउंड में क्या क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या हो, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप मेरी ईमेल आईडी variousty@gmail.com के ऊपर जो है आप भेज दें, सेंड कर दें, तो डेफिनेटली अगर मुझे उसमें से कोई भी पिक्चर जो है, जो भी ऐसा बैकग्राउंड वाकई अच्छा लगा, तो उसको डेफिनेटली जो है इंप्लीमेंट करवाऊंगा और बहुत ही जल्द जो है वीडियो में देखने को भी आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, अभी बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जो है आज मैं आपको लोगों को बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से जो है 2-4 दिन से मैं वीडियो नहीं दे पाया हूं। उसका कारण ये है कि मेरे क्योंकि ये यूट्यूब मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, मेरे दूसरे बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं तो उनके ऊपर मैं फुल टाइम दे पा रहा हूं, लेकिन कुछ मेजर टेक्निकल इश्यूज आ गए थे एक नेटवर्क के अंदर, तो उसके चक्कर में जो है वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए आप लोगों से माफी। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कुछ 9 ऐसे अमेजिंग सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट दी टेक्नोलॉजी मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आई एम श्योर कि आप लोगों को इनके बारे में जो है, हो सकता है जितने मैं 9 पॉइंट बताने वाला हूं उनमें से कुछ ही आप लोगों को पता हो। तो सबसे पहला है ईमेल जो है, जो हम यूज करते हैं ईमेल्स, वो हमारी वर्ल्ड वाइड वेब उससे भी पहले से एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि ईमेल सर्विस जो है वो www से भी पहले से अवेलेबल है और उसका इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों यहां पे मैं बता दूं आपको, इसका इस्तेमाल होता था, वेब पेजेस के नंबर होते थे पहले, और उसके बाद जब www आया यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब आया, उसके बाद जो है सिनेरियो बहुत फास्ट हो गया, चेंज हो गया, लेकिन उससे पहले नंबर चलते थे। और यहां पे जो ईमेल वेब पेज का जो नंबर था, दैट वाज 7776। 7776 जो है वो एक्सेस करते थे वेब पेज को और उसी के जरिए जो है ईमेल सेंड करे जाते थे। अगला जो फैक्ट है, सरप्राइजिंग फैक्ट है, वो ये है कि 1995 से पहले जो डोमेन रजिस्ट्रेशन थे, डोमेन नेम जो हमारी वेबसाइटों के डोमेन नेम होते हैं, google.com हो गया, yahoo.com हो गया, bing.com हो गया, तो ये डोमेन नेम होते हैं, ये डोमेन नेम जो है 1995 से पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होते थे। लेकिन 1995 के अंदर एक कंपनी थी नेटवर्क सॉल्यूशंस, उन्होंने जो है यहां पे इसको कमर्शियली लॉन्च करा और उसके बाद जो है डोमेन नेम जो है रजिस्टर करने के लिए आपको एक चार्ज पे करना पड़ता था, और इनिशियल के अंदर जो है बहुत ही कॉस्टली ये इमेज पूरे डोमेन नेम रजिस्टर हो रहे थे। अभी तो कंपटीशन बढ़ गया, उसी वजह से जो है डोमेन नेम जो है काफी सस्ते के अंदर हमें मिल जाते हैं। अगला फैक्ट जो है दोस्तों, जैसे कि अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, मैं 4 आपके सामने नाम ले रहा हूं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनमें है एचपी, फिर हमारा है यहां पे माइक्रोसॉफ्ट, फिर यहां पे हमारा गूगल, और जो है चौथा है यहां पे एप्पल। ये 4 कंपनियां जो है इनके अंदर इक्वल की बात करें कि इन चारों कंपनियों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉमन है, वो तो पहले सब लोग ये बोलेंगे कि ये चारों की चारों जो है वो कंपनियां जो है आईटी फील्ड से, दैट इज फर्स्ट, नो डाउट ये आईटी फील्ड से चारों कंपनी बिलोंग करती हैं। लेकिन इसमें सरप्राइजिंग फैक्ट ये है, चाहे वो एचपी है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है या फिर एप्पल है, ये चारों कंपनियां जो है स्टार्टिंग के अंदर गैरेज के अंदर स्टार्ट करी थी, और आज जो है गैरेज से जो है ये किस मुकाम तक पहुंच चुकी है, ये आज हम सभी जो है वो देख पा रहे हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों यहां पे कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है उसका ओरिजिनल नेम क्या था, तो उसका ओरिजिनल नेम की अगर बात करी जाए तो उसका ओरिजिनल नेम था इंटरफेस मैनेजर।
और बाद में जो है इसको चेंज करके करा गया विंडोज, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट होने लगी। क्योंकि पहले जो है आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने तो ये इन सब चीजों पे काम करा। पहले विंडोज जो है डायरेक्टली, जिस तरह से आज हम सिस्टम को, कंप्यूटर को, लैपटॉप्स वगैरह को ऑन करते हैं तो सीधा हमें विंडोज लोड होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आपका डॉस लोड होता था, डॉस के बाद जो है आपको कुछ कमांड चलानी पड़ती थी, उसके बाद जो है आप विंडो के एनवायरमेंट में जाते थे। तो उस वक्त यहाँ पे जो है इसको नाम दिया गया था इंटरफेस मैनेजर, और बाद में जब ये ओरिजिनली खुद ही बूट होना स्टार्ट वगैरह हो गया तो उसके बाद इसको नाम को कन्वर्ट करके चेंज कर दिया गया जो है विंडोज। अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो है गूगल का नाम। अब बहुत बार, कई बार ये मेरे दिमाग में भी आता है यार गूगल वर्ड जो है ये कहां से सर्च किया हुआ, इसका क्या मतलब वगैरह है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि गूगल का जो नाम है गूगल, तो वो जो है एक स्पेलिंग मिस्टेक, यानी कि कह सकते हो आप जो है लिखते वक्त उसको जो है वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक के चक्कर में ये डोमेन नेम जो है रजिस्टर हो गया था। क्योंकि जो ओरिजिनली जिन्होंने ये गूगल को फाउंड किया था तो वहां पे जो है उन्होंने इसका google.com जो है ये नहीं करा था, उसका नाम दिया गया था यहाँ पे गूगल, GOOGL ये लिखना चाह रहे थे, बट जो है वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक के चक्कर में यहाँ पे GOOGLE हो गया है। तो यहाँ पे जो है गूगल जो है आज की डेट में हम जिस जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इंटरनेट का बादशाह बन के बैठा है, तो उसका खुद का जो नाम है वो एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से जो है यहाँ पे एक्सीडेंटली, आप कह सकते हो एक्सीडेंटली जो है यहाँ पे क्रिएट हुआ, और आज वही नाम जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना फेमस है और सबसे टॉप पे चल रहा है। अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट जो है वो सेफ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे अनऑथराइज्ड अनवांटेड पैकेट जो है ऑल ओवर दी इंटरनेट ट्रैवल करते रहते हैं, और इसी वजह से हम हमारे नेटवर्क्स को भी सिक्योर करते हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि हर महीने जो है करीब यहाँ पे 6000 प्लस वायरस जो है वो जनरेट करके, इंप्लीमेंट करके जो है रिलीज किए जाते हैं, ताकि जो है बहुत सारे नए नए तरीकों का इस्तेमाल करा जाता है ताकि लोगों के डेटा तक पहुंचा जाए, लोगों के नेटवर्क तक पहुंचा जाए, और वहां से पूरी, तो इनके अलग अलग पर्पस होते हैं, कोई पैसे के लिए करता है और कुछ जो है इंफॉर्मेशन गैदर करके थर्ड पार्टी से जो है हमारे डेटाबेस को सेल करके जो है पैसे कमाता है। तो अल्टीमेट गोल जो होता है यहाँ पे वायरस क्रिएट करने वालों का वो ये होता है कि यहाँ पे जो है उनको पैसा कमाना है अच्छा खासा। तो पैसा तभी कमाया जा सकता है जब वो एक सही तरीके से करेंगे, तो डेफिनेटली ज्यादा पैसा जो है इमीडिएटली नहीं मिलता है, स्लोली ग्रेजुअली डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा जाता है, लेकिन अगर ओवरनाइट के अंदर आपको काफी अच्छा पैसा कमाना है तो सेकेंड जो ऑप्शन है दैट इज वायरस क्रिएट करना। करीब 6000 वायरस जो है यहाँ पे, 6000 से भी ज्यादा वायरस प्रोग्राम जो है हर महीने रिलीज किए जाते हैं इसी पर्पस को लेके। अगला जो फैक्ट है दोस्तों ये वाकई बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि अगर नॉर्मल एक मिनट के अंदर जो हम ये आईज को अपनी ब्लिंक करते हैं तो इसका नॉर्मल हम एक मिनट के अंदर 20 बार करीब अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं, लेकिन जब भी हम हमारे कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं या उसके ऊपर कुछ रीड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ये जो ब्लिंकिंग है वो ड्रास्टिकली नीचे आ जाता है। यानी कि एक मिनट के अंदर अगर हम कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो सिर्फ 7 बार ही एक मिनट के अंदर हम ब्लिंक करते हैं। ये वाकई जब मैंने भी ये गूगल पे सर्च करा था मैं खुद सरप्राइज हो गया था, और बाद में मैंने खुद ही इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखा कि वाकई यार ऐसा है क्या। तो यहां पे ये मुझे एक अंदाजा लगा कि डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि ये फिक्स 7 हो, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट अमेजिंग फैक्ट ये है कि ऑल अप्रोक्स जो है 7 बार ही आप एक आपका कंप्यूटर यूजर जो है वो सिर्फ 7 बार के आसपास ही यहाँ पे अपनी आंखों को ब्लिंक करता है, और वहीं पे जब हम उस पे काम नहीं करते हैं तो करीब एक मिनट के अंदर जो है 20 बार हम अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं। अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो आई एम श्योर कि हर कोई जानता है, लेकिन उसके पीछे जो मैं फैक्ट बताने जा रहा हूं वो नहीं जानता है। जीपीएस के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि जीपीएस क्या है, किस काम में आता है और किस तरह से यूज किया जाता है। तो जीपीएस अगर यूजर्स के लिए बात करें तो यूजर्स के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए अवेलेबल है, लेकिन इस जीपीएस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो है
पर डे यहां पे कॉस्ट आती है अप्रोक्स जो है $2 मिलियन जो है इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है जीपीएस सिस्टम को, तो जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए फ्री दिया गया। और इसके जो भी पूरी फंडिंग होती है वो अमेरिका से यूएस से करी जाती है, और वो पूरा जो है यहाँ पे इसको ऑपरेट रखने के लिए, ऑपरेशनल रखने के लिए, ताकि जो है हम इसका पूरे वर्ल्ड के अंदर बेनिफिट उठा सके, और दैट टू ऑन बिल्कुल 100% फ्री। अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो वाकई बहुत ही अमेजिंग है कि हम डोमेन नेम आज की डेट में तो इतने सारे डोमेन नेम हर दिन जो है, हर महीने, हर सेकेंड, हर पल जो है रजिस्टर होते हैं, लेकिन वर्ल्ड का सबसे पहला डोमेन नेम जो है वो क्या, कौन सा रजिस्टर हुआ था और वो कब हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 15 मार्च 1985 के अंदर जो है पहला डोमेन नेम रजिस्टर करा गया था, और वो डोमेन नेम था www.symbolics.com। ये डोमेन जो है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले नंबर पे रजिस्टर किया था, और 15 मार्च 1985 के अंदर जो है ये रजिस्टर हुआ था। सो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे 9 सरप्राइजिंग फैक्ट। आई एम श्योर कि आप लोगों को जानकर जो है कुछ नॉलेज ही इंक्रीज हुआ होगा, और बहुत सारे अभी वीडियो मेरे लाइनअप है और जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं जो आप लोगों के लिए देने हैं मुझे, और बहुत ही जल्द जो है हर रोज जब भी वीडियो आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सारे वीडियो बन के रखे हुए हैं, अपलोडिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था कुछ टेक्निकल इश्यूज के चक्कर में, तो अभी मेरी एक टीम मेंबर को मैंने लगा दिया जो कि अभी वीडियोस को अपलोड करता रहेगा आप लोगों के लिए। और मुझे डेफिनेटली ये जरूर बताइएगा जो बैकग्राउंड में मैंने ये सेटअप करा है आप लोगों को कैसा लगा है, और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको अलग से जानना है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।